तो यार गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल हो गए थे हम लेट, 8:30 बजे पहुँचे यहाँ पर, तो फिर कुछ दिखा नहीं पाया। तो अभी हम जा रहे हैं यार फिलहाल कथियार, और कथियार यहाँ से पड़ता है 18 किलोमीटर। और रेडी हो गए, और यहाँ पर कोई नहीं, खाली है भाई का ही है ये, और जी की पूरा साथ देते हो अपना। तो यार कितना पड़ेगा संकल्प यहाँ से, वो कितना पड़ेगा यहाँ से? 18-20 किलोमीटर। तो अभी यार जहाँ जा रहे हैं 18-20 किलोमीटर है। अब ऊपर जाके यहाँ पर अभी खाना तो खाया नहीं, सुबह नाश्ता ही करा था। क्या कर रहा है चल रहा ऊपर? तो भाई यार यही है, जैसे कि देख सकते हैं, और तो काफी सही लोकेशन है यार ये जगह, पड़ गया भिन्नाड़। चले फिर संकल, चल फिर जी की। दर्द हो गया। तो यार यहाँ से ये रास्ता है, तो दिखी थी हमें वहां से, नीचे से नहीं दिखी थी। तो रात से आग लगी हुई यार इसमें। और ये देखो क्या चीतों के बैठा हुआ यार, तो यही सुबह खाना खाने आया था वहाँ। देखो ना, उसे हटने का मन ही नहीं कर रहा यार, है इतनी शांति, हम ही पड़े हुए थे यार सुबह से। तो यार जो रात को हम आए थे वो ये वाली रोड थी जो राइट वाली है, और अब हम जाएंगे वाला। तो मतलब मेन रास्ता कथियार का यही, यहीं से जाता है भिन्नाड़ से। गाइस यहाँ से बर्फ स्टार्ट हो जाती है, कौन सा गांव था यार, कोबरा शेर से बर्फ स्टार्ट हो जाती है। ये आज जस्ट पॉइंट, अभी बस ये ज्यादा ना हो यार, ज्यादा बर्फ से भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि यार गाड़ी नहीं चलती, फिर स्लोमो हो जाते हैं एकदम। पेड़ ज्यादा है जिसकी वजह से एकदम से पूरा अंधेरा अंधेरा जैसा लग रहा है। वाला तो आइस है, निकल जाएगी वैसे इधर से। तो ये वाला बोल रहा हूँ, ये क्या है यार, ये पत्थर ना हो यार, देखो वैसे आइस ही होगी यार वो, देखियो बर्फ है नहीं, ऐसे में पत्थर होता है ना, मैं इनका चढ़ा हुआ पता नहीं लगता, टक लग जाता है एकदम ना। ओ भाई क्या सही है ना यार। तो यार हम पहुंच गए हैं कथियार, और कर रहे हैं यहाँ पर नाश्ता ही बोल सकते हैं, वैसे तो लंच टाइम है पर नाश्ता क्या बोले उसे, अब देखते हैं। और ये वाली यार जो बस आई है सामने, ये देहरादून से आती है बस, और देहरादून से डायरेक्ट यहाँ, इसके आगे नहीं आती है, ये एंडिंग है। अब देखते हैं खाना खुना खाने के बाद थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, पता तो है खैर से बंद है वो। और अभी कर लिया थोड़ा सा लंच, क्या लंच ब्रेकफास्ट दोनों जो भी बोलना है बोल लो। ये है कुछ यहाँ का व्यू कथियार गांव का, और नीचे बाजार है, बाजार क्या है मतलब 3-4 दुकानें हैं। अभी वैसे मैं किसी की छत पे खड़ा हूँ, ये छत है यार किसी की ना। क्या लेना है, लेना तेरे कुछ बोल यार। मैं आया था थोड़ा सा नीचे को, यहाँ पे बिल्कुल शांति हो रखी है ऐसे, लेकिन और वो थोड़ा सा सामान ले रहा है ऊपर साइड, तो मैंने कहा यार इसे कुछ, और ये भाग रहा भाई पूरी तेजी से। और यार इधर पूरी भाई बहुत सही बर्फ गिरी हुई है, मेरे पूरे जूते अंदर घुस रहे इसमें। देखो आगे आगे, और इधर भाई व्यू बहुत सही आ रहा है यार, भाई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है भले ही। What's your mindset? Been telling you, telling you, telling you to make you believe that the right guy ain't right here. Right. So yaar guys, ab nikal rahe hain hum Katiyan se. Maan suman le liya apna. Aur piche so rakha hai ji ki aaram se. अब निकलते हैं यार, और देखते हैं जो भी होता है फिर रात तक, शाम तक जो भी है। 6 बजे अभी, 4 तो बज गया होगा है ना, 4 तो बज गया होगा ना। और कथियान आओ तो कैश लेके आओ, यहाँ पे ऑनलाइन नहीं चलता। अब भाई कथियान आ रहे हो तो यार ऑनलाइन की दिक्कत है, क्योंकि एयरटेल जियो BSNL के मतलब एक डंडा आता है, अगर उसमें किस्मत है तो भाई हो जाएगा, नहीं तो फिर तो दिक्कत है। और सीधा त्यूनी लंच के लिए हम पूछ रहे थे, तो लंच में हमें क्या मिला है? बंदंडा आज वो भी आधा घंटे में वो भी आधा घंटे में बंदंडा मिला है। अभी तो हीटर ऑन करके बैठे हम, अब निकलेंगे आगे, देखते हैं अगर थोड़ा सही व्यू आया तो। वैसे यार कथियान में है कुछ नहीं यार, मतलब अगर जिसे गांव घूम पसंद है तो यार देखने आ सकता है भाई, शांति जिसे शांति पसंद है भाई। पर इससे मुझे यहाँ से कथियान से अच्छा भिन्नाड़ लगा यार।
वहाँ ज़्यादा अच्छा है यार, भले ही वहाँ दुकानें तो नहीं है, भिन्नाड़ में दुकान नहीं है यार। चावल चुवल लिया अभी, अब देखते हैं चावल चुवल बनाते हैं रात को, और फिर सुबह वही है अपना आराम से कट रही है जिंदगी। कौन सा पॉइंट बोल रहा था यार, अभी पीछे कहाँ पर जाने के लिए बोला था? नुनाई खातरा। कौन सा? नुनाई खातरा। एक बार और। नुनाई खातरा। तो यार एक जगह है नुनाई, मुझे तो बोला भी नहीं जा रहा है यार। नुनाई खातरा करके है, वहां पर जाते हैं। तो वहां पर है क्या मतलब यार मेन? ऐसी है, मतलब पहाड़ का टॉप है। अब वहां से थोड़ा मतलब अब सनसेट का भी टाइम हो गया, तो मस्त करके वहां पर व्यू आएगा, अब सीधा मिलेंगे वहां पर हम। तो यार ये जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में सेब के पेड़ हैं, सेब के पेड़ गंजे इसलिए हो रखे हैं क्योंकि अभी सीजन नहीं है। एक बार अपनी भाषा में बोलते यार। गाइस जा रहे थे, एक बढ़िया जगह दिखी है, थोड़ा सा ऊपर आ गया हूँ मैं ऑलरेडी। और ये सामने ये जितने दिख रहे हैं ये सेब के पेड़ हैं, और नीचे गाड़ी वो खड़ी है। ये तो काफ़ी सही व्यू आ रहा था इधर, तो मैंने सोचा चलो यार ऊपर चलते हैं, और पैदल पैदल आ रहे हैं ऊपर। अब देखते हैं ऊपर कैसा व्यू आता है, और व्यू तो बढ़िया ही आ रहा है इधर। व्यू सही आ रहा है, भले ही सनसेट तो हो गया ऑलरेडी। लेकिन अगर हम ठीक सनसेट पर हां जाते हुए धार दे, हम जा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर को और देखते हैं ऊपर कैसा व्यू है। मजा ही आ गया मतलब इधर आके तो यार। पर टाइम हो रहा होगा इस समय, टाइम कितना हो रहा होगा? 6:30 बज रहे हैं इस समय। अब तो देखा यार जाते हुए थोड़ा सही लग रहा था यहाँ पर, क्योंकि ऊपर कथियान में तो कुछ ऐसा था नहीं, खाली विलेज था उधर बस, और कथियान तक आती है देहरादून से बस। और यार ये बना हुआ है पत्थरों से, जो पहले का पुराना है, रहता नहीं होगा कोई यहाँ पर, पहले ऐसे ही रहते थे मतलब ऐसे ना गाय गोई रखने के लिए। क्या बोलते हैं ना? छानी बोलते हैं ना गाय गोई रखने के लिए। इधर हवा देखो यार, ये क्या है? कुत्ते के लिए? कुत्ता ऐसे चौकीदारी के लिए। अच्छा बगीचे है यहाँ पे भी सेफ। तो यार ये पीछे दिख रहे हैं सारे सेब के बगीचे हैं। और भाई जब सेब होते हैं तो अलग व्यू आ जाता है, सूखे सूखे नहीं लगते हैं, भरे भरे लगते हैं। और हवा बहुत तेज चल रही है यार इधर। जीगी की पूंछ दिखाता हूँ मैं, जीगी खड़ा करिए देख कैसे उड़ेगा। अरे खाने स्टार्ट कर देता है हर जगह, पूरे बाल उड़ रहे हैं उसके। अब अंधेरा भी हो गया यार वो वाले पहाड़ पे, पूरा बर्फ हो तो सूरज पड़ रहा है इसलिए दिखाई दे रहा है। अब चलेंगे यार सीधा घर पे ही, वहाँ करेंगे आराम, खाना खुना बनाते हैं, क्योंकि यहाँ तो फिर रात जल्दी मतलब शांति ज़्यादा होती है ना। तो यार गाइस फाइनली पहुँच गए हैं वापस घर पे, करते हैं खाने की तैयारी। इधर चल रहा है क्रिकेट बढ़िया करके। एक और ऊपर मत मारना, खो जाएगी इनकी वो। इस व्लॉग को करते हैं पर एंड, होप सो यू लाइक दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ न्यू व्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय टाटा, बाय बाय।